दर्द हो रहा है थोड़ा सा। हाँ भी तो बोल सकते कैमरे के सामने थोड़ा सा दर्द हो रहा है। सच बोला है आपको। अरे इतने दूर से आए, सीलिंग नीचे आ जाएगी हम सच गिरे। जिस दिन घर पे आएंगे खाना खिलाना जरूर दीजिए। आकल ना मजा पहले वाला। नॉनवेज नहीं खाते हम। वेजिटेरियन ना? नहीं, चिकन खाते हैं। हाँ सो गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा मैं बहुत टायर्ड हूँ। मैं नहाया नहीं गाइस 3 दिन से, बहुत मतलब बहुत गंदा दिख रहा हूँ मैं। और फिलहाल अभी क्या कर सकते हैं, ब्रश भी नहीं किया है। गाइस मैम का ये फर्स्ट टैटू है, बहुत डरे हुए आप देख सकते हो। उनकी हालत देखो, ये जो टैटू है कितने टैटू है, 1 2 3 4 सब कहाँ से किए, 5 मतलब उसके पास होने के बाद भरोसा आ गया कि महेश चल अच्छा कर सकते हैं। लॉकर की चाबी रहेगी, घर की चाबी है, रूम की चाबी, अरे बेडरूम की चाबी, 3 चाबी कंप्यूटर लेके जा रहा है। ये तो मुश्किल में आ रहा है चाबी लेके। बोलो तो चाबी क्यों रिजर्व क्या सीन है गाइस? टैटू बना रहे, टैटू का मीनिंग ही नहीं पता। वाह 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 काश। अच्छी बताओ ना मीनिंग क्या सीन है। बनने के बाद बनने के आप कबूतर जी कैसे हो? बनने के बाद पूछ रहे टैटू मैम का, तो ऑलरेडी एक टैटू कंप्लीट हो गया उस हाथ पे, तो अभी ये सेकंड टैटू स्टार्ट करना है। तो गाइस बड़ी मुश्किल से एक ब्रेक लिया है, क्योंकि यार कंटिन्यू पोर्ट्रेट, क्योंकि दो दिन नहीं था, क्योंकि मैं गया था, सबको पता ही है कि गुफा भाई का बर्थडे था तो हम गए थे कर्जत। तो गाइस वो 2 दिन का जो गैप है ना, वो आज बहुत ज़्यादा भारी पड़ा, क्योंकि सबको आज ही टैटू करना है। और अभी मैं आ गया तो सर बोल, बाकी लोग बोले कि सर आ गए तो कर लो भाई, तो वही सीन है बस। तो आज लोड ज़्यादा है, आज सोचा नहीं था इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी मतलब 7 अपॉइंटमेंट अभी भी पेंडिंग है। मैंने सवेरे से 4 अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर दी गए, उसमें से एक प्राइवेट टैटू था एक लेडीज़ का, वो भी मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है, उसका मैंने फेस बिल्कुल नहीं लिया है, तो वो एक टैटू प्राइवेट था। तो 2 प्राइवेट टैटू थे, बाकी मैम के और फिर से और एक टैटूज वगैरह, मतलब कंटिन्यू चल ही रहे काम 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 काम। तो देखते जितना हो सके उतना शूट कर रहे हैं, क्योंकि यार क्राउड ज़्यादा है तो हम शूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बंदे के साथ जब 7-8 लोग, क्योंकि यार गाँव से लोग आते हैं, झूला कोई नासिक से आता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हमने बोला है कि मॉल वगैरह घूमने जाओ, ये देखो इतनी पब्लिक है स्टूडियो में, तो एक बंदे को टैटू करना है और इतने मतलब 7-8 लोग आए, तो आप इमेजिन कर सकते हो हम कैसे मैनेज करें। पर जितना हो सके उतना, अभी ये सब जब बाहर निकल रहे हैं, जितना हमने किया उतना ट्राई किया है कि भाई तो घूम के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक जन अंदर टैटू चल ही रहे है ना भाई, कुछ नहीं, अभी जाते पहले चाय पीने। हाँ देख लो सर, देख लो, आ जाओ। हाँ हाँ सभी का अभी चाय पीने जाते हैं, उसके बाद फिर टैटू फिर से स्टार्ट करना है। Thank you.
हाँ सो गाइस वन मोर टैटू, थर्ड टैटू है मैम का। एक साथ तीन तीन टैटू बना रहे हैं, सब फैमिली को डेडिकेट कर रहे हैं। मैम कहाँ पे देखा मेरा भाई? कहाँ पे देखा? ऐसा कोई ऐप ही नहीं ऐसा रहा। अरे बता ना, YouTube पे क्या नाम है मेरे YouTube पे? सीलिंग नीचे आ जाएगी। जिस दिन घर पे आएंगे खाना खिलाना जबरदस्ती आकर ना मजा पहले जाना। नॉनवेज नहीं खाते हम। वेजिटेरियन ना? नहीं, चिकन खाते हैं। हां तो चिकन में ही आ जाएगा चिकन। क्या बोल रहे हो? हां फर्स्ट टाइम पता चला। क्या मैं स्टार्ट करते हैं तो वन मोर टैटू। इनकी बेटी है, ये माँ है और ये बेटी है। सॉरी ये माँ है और ये बेटी है। ऐसे मतलब टैटू करना है, अभी स्टार्ट करते हैं। आगे सेवन या सिक्स टैटू मुझे पता नहीं है, मैंने काउंट नहीं किया है। चाय स्कीप हुआ था मेरी, सॉरी। योर फर्स्ट टैटू या सेकंड? थर्ड। क्विक फोर्थ। ओके वे थर्ड भी तो यहाँ पे क्रॉस है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैम का टैटू कंप्लीट हो गया एंड देन दोनों का भी टैटू कंप्लीट हो गया। तो शो मी योर टैटू मैम। सो मैम ने वैसे भी तीन टैटू किए, आप देख सकते हो कितना मस्त है, बहुत क्यूट टैटू है। एंड देन वन मोर टैटू इज हियर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विहान लिखा है, एंड देन फेदर है, एंड देन फ्लाइंग बर्ड्स है, और यहाँ पे इन्फिनिटी है विद श्वेत है, एंड देन एक फ्लाइंग बर्ड है। तो प्रॉपर मजा आ गया। सो मैम कैसा लगा टैटू? बहुत ही अच्छा लगा। यू हैप्पी? या। एंड देन वन मोर टैटू, इन्होंने भी एक टैटू बनाया गाइस, सो सी दिस टैटू गाइस, सो क्रॉस बनाया। सो मैम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यू हैप्पी? यस। यू मे हाई फाइव। वन मोर। कहां पे देख ले? यहां पे देखो बस। अब हाइट को देख ले मेरा, मतलब तो अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा यार, तो नीचे से नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस वन मोर टैटू अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट टैटू, ये वाला पोर्ट्रेट है गाइस, आप देख सकते हो। आंसर स्पेशली दूल्हे से आए मेरे लिए, मतलब टैटू करने हैं। दिस माय ओल्ड क्लाइंट गाइस, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो टैटू बनाए गाइस, उनके मॉम डैड का। साइड में आप देख भी सकते हो इनके ओल्ड टैटू, मतलब तीन या चार साल हो चुके हैं पोर्ट्रेट को, जब टिकटॉक था उस टाइम है ना। तो अभी सर ने अभी रेफर किया है सर को, तो अभी सर भी आए हमारे यहाँ पे टैटू करने। तो मजा आ रहा है, आज का दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा फन भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं साइड बाय साइड। गणेश इसलिए नहीं आया गणेश, मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग गणेश को भी मिस करते हैं इस वीडियो में हमेशा की तरह। तो गणेश इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके जो भांजा है मतलब हॉस्पिटल में हुआ है, एडमिट है, तो उसका 25% ही हार्ट चल रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंड सीरियस है ना, तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाया। बाकी प्लीज़ ब्लेस करो उस बंदे को, और कुछ नहीं उसकी भांजे को।
अभी ये सर का फिर से बनना टैटू है गाइस, तो आप देख सकते हो ये वाला टैटू। तो ये ईगल ही आपने कवर करना है, ये इनके ऊपर ही मैंने 3 साल पहले बनाया था, ये उनकी मम्मी का फेस है। या कितना मस्त और कितना हील हुआ 3 साल के बाद भी मेरा वर्क, आप देख सकते हो कितना शार्प और क्लीन है। ये भी देख सकते हो, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 3 या 3.5 साल का पुराना टैटू है गाइस ये। तब जाके मतलब एक भरोसा होने के बाद क्लाइंट फिर से मेरे पास आता है, मतलब आप सोच सकते हो मेरी हीलिंग मतलब 1-2 साल के बाद भी टैटू कैसा रहता है। जो भी इसकी आपको मतलब मेरे पास भरोसा है तो प्लीज आ सकते हो मेरे पास टैटू करने, जिनको भी आज करना है टैटू इन फ्यूचर। आई यू सो गाइस, वन मोर टैटू स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ये देख सकते हो उल्फ टैटू गाइस, ये पूरा 3D में है, मतलब ये ऐसा है, ऐसा टैटू है तो मजा आने वाला है। वैसे तुम्हें पता नहीं है शायद, पता नहीं कितनी अपॉइंटमेंट है, आगे 8वीं 9वीं पता नहीं कितनी भी होगी, पर हैप्पी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, मजा आ रहा है। तो ब्रो कहाँ पे देखा मेरा वर्क? मैं इंस्टाग्राम रील्स में देखा था। ओके, रील्स में जब से फॉलो किया उसके बाद फिर आपका यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देखने लगा, ब्लॉग्स वगैरह। ओके, आपका काम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टैटू तो करूंगा तो आपसे। यू आर फर्स्ट टैटू? हां यार, फर्स्ट। अरे वाह भाई, वाह वाह। तो गाइस फाइनल टैटू कंप्लीट हो गया सर का, तो एक बार क्लीन करके आप लोगों को दिखा देता हूं गाइस। बहुत थक चुका हूं गाइस, कंटिन्यू काम ही कर रहा हूं, शेक चाय चाय का ही ब्रेक लिया और कुछ नहीं गाइस। तो मजा आया, आज का दिन बहुत ज्यादा हार्डवर्क था क्योंकि 2 दिन छुट्टी मारी तो तीसरे दिन तो हार्डवर्क बनता ही है। तो एक बार क्लीन करके अच्छे से दिखा देता हूं गाइस। सीधी स्टार्ट हो गाइस, इशू में टैटू सर। सो आप देख सकते हैं गाइस, सो आप सोचते होंगे कि एक साइड डार्क और एक साइड लाइट क्यों? तो गाइस उनको वैसा ही चाहिए था कि इस साइड उनको पूरा डार्क चाहिए था और इस साइड हल्का सा लाइट चाहिए था। तो ये आप ओवरऑल देख सकते हो डिटेल। सो ये जो डार्क पार्ट का गाइस पार्ट है तो इसमें हमने रेड किया है एंड देन जो लाइट पार्ट पे ब्लू किया है। गाइस प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि ये वुल्फ टैटू कैसा लगा आपको। डान सब कैसा लगा टैटू आपको? बहुत ही अच्छा लगा। यू हैप्पी? फर्स्ट टैटू, बहुत ज्यादा हैप्पी हूं मैं। फर्स्ट टैटू क्या? फर्स्ट टैटू है और इतना अच्छा टैटू बना है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गिव मी हाई फाइव सर। बूम। देन गाइस वन मोर टैटू, अभी सर का भी टैटू स्टार्ट करना है मेरे को। तो इनका भी ये फेस टैटू है, आप देख सकते हैं ये किसी और आर्टिस्ट ने बनाया था तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दी पाया, मतलब नहीं दे पाया। तो इसकी वजह से सर अभी ये फिर से टैटू बनाने वाले हैं इसके ऊपर फेस, और ये प्रॉपर हमें रिटच करना है, मतलब मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूंगा। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि पूरा आप देख सकते हैं उसके आईज, नोज, लिप्स सब कुछ गायब हो गया है। तो अभी आर्टिस्ट का नाम तो इन्होंने बताया था पर हम ले नहीं सकते क्योंकि अपने को नहीं अच्छा लगता किसी को गलत बोले। तो वन मोर टैटू जी। तो अभी रोहित भाई भी यहाँ पे एक बैंड टैटू बनाया, सभी से लगा पड़ा है मेरा भाई, एक ही बैंड टैटू ने हमारे 10-15 टैटू। सो अभी सर का भी टैटू, मतलब सर का भी टैटू कंप्लीट हो गया एंड देन वन मोर टैटू यहाँ पे भी मैंने कवर अप कर दिया गाइस। तो अभी बहुत सारे अपॉइंटमेंट कम हो गए, और एक टैटू है इनका रुद्राक्ष गाइस, तो ये भी टैटू मुझे स्टार्ट करना है। तो अभी जैसे आउटलाइन हो चुके हैं, ओमकार ने आउटलाइन बना दिया सर के, तो शो में टैटू सर। तो ये भी कवर अप टैटू गाइस, ये वाला छोटा सा पार्ट। तो अभी रुद्राक्ष को हमें डिटेल करना है, 3D बनाना है, जितना हो सके करेंगे अच्छे से, ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं एज अ पोर्ट्रेट गाइस। सो गाइज फाइनली सर का टैटू कंप्लीट हो गया, सीधी टैटू गाइज। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज ये देख सकते हैं उनके बच्चे का फेस टैटू, अभी पूरा फेस दिख भी रहा है अच्छे से एंड देन ओवरऑल लुक देख सकते हैं। सो ओवरऑल पहले कितना खराब था, आप साइड में भी देख सकते हो कितना गंदा फेस बनाया था एंड देन फाइनली अभी कितना अच्छा हो गया है। सो सर कैसा लगा टैटू?
मस्त बनाया सर ने। पहले जो टैटू बनाया था उसका फेस क्लियर नहीं था, सर ने अभी बनाया था एक नंबर बना दिया सर। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं हाई फाई सर, यू हैप्पी ना बस, आप खुश हम खुश। सो गाइस वन मोर टैटू यहाँ पे, आज अभी रुद्राक्ष कंप्लीट हो गया है ये वाला, तो ये भी दिखा देता हूँ। अभी उमेश का टचअप कर रहा है अपना आनंद भाई, एंड देन रोहित भाई अभी भी लगा पड़ा है एज अ बैंड टैटू में, अभी क्या कर सकते। खाना गाइस नसीब में नहीं है, खाना अभी जस्ट खत्म हो चुका है, इन लोगों ने खाना खा लिया होगी, अब भी खाना खा लिया दोपहर का गाइस, तो अभी बच चुके आप देख सकते हैं 9 बज गए, दोपहर का खाना अभी हम लोगों ने खा लिया, मैंने तो अभी तो खाया भी नहीं गाइस, अभी घर जाके आराम से खा लूंगा मैं। तो अभी बस यहाँ तक वीडियो खत्म करते गाइस। सो गाइस जितने भी लोग देख रहे गाइस, तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज जोड़ो का लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आज बहुत ज्यादा वर्क था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था, इसकी वजह से आज मजा मस्ती नहीं थी, कम थी, क्योंकि यार काम भी तो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था गाइस, पब्लिक बहुत ज्यादा थी, एंड देन टैटूज थे, तो जिनको भी ऐसा टैटूज करना था गाइस प्लीज मोस्ट वेलकम माई शॉप। नहीं तो गाइस मैं इतना ही बोलूंगा कि जिनको भी खराब टैटू है, किसी के मतलब किसी के पास किया होगा, तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, जिसका भी आप जिससे मैं ये नहीं बोल रहा कि इसे मेरे से टैटू बनाओ, जिनको भी गाइस मेरे से टैटू बनाना है तो गाइस प्लीज मोस्ट वेलकम माय शॉप। डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे भी नंबर दिया, एड्रेस दिया, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, आप लोग मेरा वर्क देख लो, आप लोगों को मेरा वर्क पसंद है तो जरूर आ जाना। नहीं तो गाइस बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट है, उनसे बात मतलब उनसे भी कर सकते, योर फेवरेट टैटू आर्टिस्ट कोई भी रहेगा तो आप उनसे भी कर सकते, पर मैं इतना ही बोलूंगा कि जब भी फर्स्ट टैटू आप करोगे तो सोच समझ के करना, क्योंकि यार टैटू चीज है वो लाइफ टाइम रहता है परमानेंट, नहीं तो फिर बोलना मत, मैंने कुछ बोला नहीं, सजेस्ट करना मेरा काम है, बाकी योर विश। सो लव यू गाइस, जय शिव।